वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। ते सम्मता जनपदे सुधनानि तेषां तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः। धन्यास्त एव निवृतात्मज वृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न ने। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधेश्याम जय राधेश्याम राधेश्याम जय राधेश्याम जय रघुनंदन जय सियाराम जय रघुनंदन जाने की वल्लभ सीताराम जाने की वल्लभ सीताराम कमला बिमला मिथिला धाम अवध सरयू सीताराम अवध
जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री विरजा नदी की जय। थलवारा ग्राम की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। पंच भगिनी माता की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री वल्लभाचार्य जयंती महोत्सव की जय। सब संतन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब विप्रन की जय। परम पावन श्री मिथिला धाम की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। निताई गौर हरि बो, हरि शरणम। भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल शरणागतवत्सल, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सबको धर्मप्राण भारतवर्ष की धरती पर देव दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त हुआ है और मानव जन्म की प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग है। वह सत्संग भी हम लोगों को किसी न किसी माध्यम से सुलभ हो रहा है। शहर की तड़क भड़क से दूर मिथिला के इस गांव में रहकर मन में खूब प्रसन्नता हुई। कल आचार्य जी ने कहा कि न तो यहाँ हम किसी को बुला रहे हैं आपको पूरा विश्राम मिले, और ना ही तो यदि आपकी अनुकूलता हो तो लगभग आधा घंटे यहाँ एक साथ सब लोग दर्शन भी कर लेंगे और कुछ चर्चा भी हो जाए। तो हमारी अनुकूलता की बात इन्होंने पूछी, और सत्संग की तो सदा सर्वदा अनुकूलता ही है। तो आप सबका एक स्थल पर दर्शन हुआ। अभी हमने आचार्य जी से पूछा कि हम क्या कहें, तो इन्होंने कहा, क्या कहा आपने? भगवान का विशुद्ध प्रेम हृदय में कैसे प्रकट हो, क्योंकि मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोट जप जोग विरागा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन यारा। प्रेम सर्वोपरि है
और उस प्रेम की प्राप्ति कैसे हो। ये बात आपने कही, उसका पहला उत्तर तो ये है कि जिसे अतिशय दुर्लभ भगवत प्रेम की प्राप्ति हो गई हो वो तो इस संबंध में समुचित उत्तर दे सकता है, समाधान कर सकता है, और जिसके हृदय में प्रेम की गंध भी न हो वो क्या समाधान करेगा। तो न तो हम प्रेमी हैं ना हमारे हृदय में प्रेम है। हाँ, गुरुजनों की वाणी से जो कुछ सुना है, ग्रंथों में जो देखने को मिला है, उसके अनुरूप चर्चा करके हम अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। प्रेम जो है ना वो अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जन्म की सफलता पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि में है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। पुरुषार्थ चतुष्टय का तात्पर्य है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति में मनुष्य शरीर की, मनुष्य जन्म की सफलता है। मान लो किसी के जीवन में धर्म, अर्थ, काम तीनों पुरुषार्थ मिले और मोक्ष नहीं मिला तो वो तीनों पुरुषार्थों की प्राप्ति व्यर्थ हो गई और केवल अंतिम पुरुषार्थ किसी को मिल गया मोक्ष, तो भले ही तीन पुरुषार्थ समुचित रूप से जीवन में उपलब्ध भए हों या न भए हों, यदि चरम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो गई, मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तो हमारा मनुष्य जन्म सफल हो गया। क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जेही पर लोक संहारा। ये मोक्ष का द्वार है। अति दुर्लभ मनुष्य जन्म है। जिस मोक्ष को, जिस मुक्ति को चरम पुरुषार्थ कहा गया, अत्यंत दुर्लभ कहा गया, वह मुक्ति भगवान देने में बिल्कुल विलंब नहीं करते हैं। कोई उनसे मुक्ति मांगे तो चटपट मुक्ति दे देते हैं। अरे जो अपने प्रबल विरोधियों को मुक्ति दे सकते हैं, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, मधुकैटभ, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्त्र आदि को जो मोक्ष दे सकते हैं, विरोधियों को मोक्ष दे सकते हैं, वो भला प्रेमियों को, भक्तों को मोक्ष देने में विलंब क्यों करने लगे। मुक्ति बहुत जल्दी दे देते हैं। जिस दिन जीव भगवत शरणागत होता है मुक्ति तो उसी दिन मिल जाती है। जिस दिन नहीं, जिस क्षण जीव भगवत शरणागत होता है उसी क्षण संसार चक्र से छूट जाता है, मुक्ति तो उसी समय हो गई। बाबा मुक्ति के लिए वैष्णव साधन नहीं करता, मुक्ति तो हो गई, जो हो गई है उसके लिए क्या साधन करना। तब वैष्णवों के जो आचार विचार हैं, वैष्णवों का जो नियम है वो क्या है, ये है कालक्षेप। भगवत शरणागत को इस शरीर की अंतिम श्वास की पूर्ति तक किस रहनी से रहना चाहिए, किस पद्धति से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, उसकी पद्धति है, उसी को वैष्णवोचित कालक्षेप कहा जाता है।
तो वैष्णव जो कुछ करता है यह उसका कालक्षेप है, मुक्ति तो हो गई। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, मुक्तिम ददाति कहिचित स्मन भक्ति योगम भजताम मुकुंदः, भजताम मुकुंदः मुक्ति योगम तो ददात्येव। भजन करने वाले को मुकुंद, मुकुंद माने मुक्तिम ददाति ति मुकुंदः, मुक्ति देने वाले ठाकुर जी भजन करने वालों को मोक्ष बहुत जल्दी दे देते हैं। लेकिन कहिचित स्मन भक्ति योगम, भक्ति योग प्रेम योग प्रदान नहीं करते हैं। इसका तात्पर्य है कि मानव जन्म की सफलता जिस मोक्ष में है उस मोक्ष से भी दुर्लभ वस्तु है प्रेम। जैसे कोई दुकानदार अच्छे मजबूत ग्राहक के उपस्थित होने पर अपने दुकान की जितने प्रकार की सामग्री होती है, वैरायटी होती है, वो सब तरह की वस्तुएं बिना उसके कहे खोल खोल के सामने पटक देता, दिखा देता है, ये ले लो इससे अच्छी ये है, इससे अच्छी है, ये ले लो, ये नहीं तो ये ले लो, ये नहीं तो ये ले लो, भले ही वो कुछ न ले, उसको लपेट लपाट के फिर से सब सजाना पड़े, लेकिन वो देखता है कि हाँ मजबूत व्यक्ति आया है तो सब दुकान का सामान बिना कहे खोल के फैला देता है। ऐसे ही किसी उत्तम साधक के आने पर श्री ठाकुर जी की दुकान में जो तरह तरह की मुक्तियां हैं उन सब मुक्तियों को खोल के बिछा देते हैं भक्त के आगे। सालोक्य सारष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जना। भगवान कहते सालोक्य मुक्ति ले लो, हमारे समान लोक की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। जैसी सृष्टि रचना की सामर्थ्य हम में, ऐसी रचना की सामर्थ्य हम तुमको दे देते हैं। तुम सदा सर्वदा मेरे ही समीप रहोगे, तुम्हें हमारा स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। और तुम एकत्व चाहो, अपनी सत्ता का सर्वथा मुझ में विलय करना चाहो, वो भी हो जाएगा। बोलो क्या चाहिए? सालोक्य चाहिए कि सामीप्य चाहिए कि सारूप्य चाहिए कि सारष्टि चाहिए कि एकत्व चाहिए, कैवल्य चाहिए, क्या चाहिए बोलो? तो दीयमानम मैं बार बार देता हूँ, न गृह्णन्ति लेते नहीं हैं। क्यों? उनको आपके प्रेम का स्वाद मिल गया है। वे कहते भगवान इन मुक्तियों में यदि आपकी प्रेम पूर्ण निष्काम सेवा का सुख न हो तो ये मुक्तियां हमको नहीं चाहिए। काग सुंडी मांगबर अत प्रसन्न मुहि जान, मुझे प्रसन्न नहीं अति प्रसन्न जान करके ही कागुसुंडी जी वरदान मांगो। और ठाकुर जी की दुकान में जितनी वस्तुएं थी सब खोल के दिखा दी, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, योग की सिद्धियां ले लो, मोक्ष ले लो, भोग ले लो, सब कुछ ले लो। कागुसुंडी जी बड़े चतुर सोचने लगे, नाथ सकल सुख देन जो कही, नाथ सकल सुख देन जो कही, नाथ सकल सुख
सुख देन जो कही। भगति आपुनी देन न कही, भगति आपुनी देन न कही, भगति आपुनी देन न कही, भगति भगवन देहु भगति रघुपति अति पावन, देहु भगति रघुपति अति पावन, त्रिविध ताप भव दाप सावनी, त्रिविध ताप भव ताप न सावनी, त्रिविध भगवान बोले सुनु बायस ते परम सयाना, काहि न मांगिसी अस वरदाना। आचार्य जी ज्ञानी तो होता है सयाना, भोग त्याग कर मोक्ष का वर्ण कर लेता है, इसलिए ज्ञानी सयाना है, पर प्रेमी सयाना नहीं, प्रेमी तो परम सयाना है, क्योंकि वो मोक्ष को भी त्याग कर भगवत प्रेम को स्वीकार कर लेता है, इसलिए मोक्ष से आगे की वस्तु है भगवत प्रेम। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम को पंचम पुरुषार्थ माना, प्रेमः पुमर्थो महान, चार ही पुरुषार्थ हैं शास्त्र के अनुसार, लेकिन हमारे महापुरुषों ने, आचार्यों ने, वैष्णवों ने प्रेम को भी पुरुषार्थ माना, पंचम पुरुषार्थ माना। क्यों? क्योंकि मुक्तात्मा भी भगवत प्रेम के लिए लालायत देखे जाते हैं। विमुक्ताः अपि विग्रहं शरीरं धृत्वा हरिं भजन्ति, श्रीधर स्वामी जी ने कहा है, जो मुक्त हो चुके हैं उनको जब समझ में आता है कि मुक्त तो हम हो गए लेकिन भगवत प्रेम की प्राप्ति हमें नहीं हुई, तो उनका हृदय ग्लानि से भर जाता है और वे अब कोई कर्म शेष नहीं रहा जिससे उनको जन्म लेना पड़े, पर वे स्वयं संकल्प करते हैं कि अब जो जन्म हमें मिले वो केवल भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए समर्पित हो जाए, तो इस संकल्प से वे मुक्तात्मा भी पुनः संसार में जन्म ग्रहण करते। ऐसा प्रेम अति दुर्लभ है, पर यह दुर्लभ प्रेम सुलभ हो जाता है, जो अति दुर्लभ है वो भी सुलभ हो जाता है। बहुत ध्यान से सुने, भक्ति और प्रेम दो चीजें नहीं है, एक ही चीज है, क्योंकि नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी कह रहे हैं सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा, परमात्मा में परम प्रेम, इसी का नाम है भक्ति। सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा, जैसे किसी विद्वान का
सानिध्य प्राप्त हो जाए, कृपा प्राप्त हो जाए, तो विद्या की प्राप्ति सहज हो जाती है। किसी कलाकार किसी गुणी की प्राप्ति हो जाए तो उसका संग करते करते गुण की विद्या की कला की प्राप्ति हो जाती है। किसी धनवान की कृपा प्राप्त हो जाए तो धन की प्राप्ति हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से किसी प्रेमी अनुरागी संत की कृपा हो जाए, हरिदास की कृपा हो जाए, भगवत भक्त की कृपा हो जाए, किसी साधु की कृपा हो जाए, तो भगवान की भक्ति जीव को सहज प्राप्त हो जाती है। किम पुनर्ब्राह्मणा भक्ता पुण्या राजर्षेस्तथा। ब्राह्मणों को प्राप्त हो जाए, क्षत्रियों को प्राप्त हो जाए, पवित्र वैश्यों को प्राप्त हो जाए, अरे इनकी तो कहना क्या है, चतुर्थ वर्ण के लोगों को प्राप्त हो जाए, इसमें भी कोई कठिनाई नहीं है। कहां तक कहें संतों की कृपा हो जाए तो किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादय ये ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। यहां आचार्य जी सबसे महत्वपूर्ण पद है यदुपाश्रयाश्रया। ये पाप योनियों में जन्म लेने वाले प्राणी किसी संत का आश्रय ले लें, यदुपाश्रयाश्रया भगवदाश्रित किसी भक्त का आश्रय ले लें, तो तत्काल भगवत प्रेम को प्राप्त करके शुद्ध्यन्ति पवित्र हो जाते हैं। किरात जंगली जाति किरात, कोल भील किरात, बचन किरातन के सुनत जिम्पित बालक बैन, किरात जाति। बाबा जंगल में एक किरात था, वो कथा कीर्तन सत्संग से तो कोसों दूर था, और तो जैसे जंगल में जंगली पशु रहते ऐसे रहता, पशुओं को मारना, उनका मांस बेचना और उसी से अपना निर्वाह करना, यही उसका धंधा था। एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए निकला तो गोदावरी के तट प्रांत में एक पर्ण कुटी दिखाई पड़ी उसको। उसने सोचा यहां कौन, इस घनघोर जंगल में कौन रहता है, खड़ा हो गया। तब तक महात्मा बाहर निकले, जटाजूट तिलक स्वरूप। वो किरात केवल इतना जानता था कि जंगल में इस तरह के लोग भी रहते हैं, जो कोई महात्मा है ऐसा वो समझता था। इतना तो जानता था कि ये कोई साधु बाबा है, महात्मा है, ऐसा समझता था। तो उसने अपनी नजर से ही उनको प्रणाम किया, कोई सिर नहीं झुकाया, दृष्टि से ही उनको प्रणाम किया और चला गया। अब वो जब भी उधर से निकलता तो जान करके उधर से निकलता कि बाबा जी मिल जाए, और इस प्रकार से इस समय से निकलता कि बाबा जी की कुटिया से बाहर निकलने का समय होता, तो सहज ही उसको संत दर्शन होने लग गया। और संत दर्श जिम पातक तरई, धीरे धीरे उसके पाप नष्ट होने लगे। एक दिन उसके मन में आया कि ये बाबा खाता क्या होगा,
कहीं जाता तो है नहीं, तो चलो आज जो कुछ शिकार में मिलेगा आज इसी को दे दूंगा। वो इतना भोला था, वो ये नहीं समझता था कि महात्मा हैं कंदमूल फल खाने वाले, हमारे जैसे अशुद्ध वस्तु का आहार करने वाले ये नहीं है। वो सोचता था जैसे जंगली लोग हम मांस खाते हैं ऐसे ये भी खाता होगा। वे शिकार खेलने तो कभी दिखाई नहीं पड़ता, ये खाता क्या होगा। तो आज जो भी शिकार मिलेगा इसी को भेंट कर दूंगा। तो जंगल में जाल फैला के रखा था, एक हिरन उसमें फंस गया। उस हिरन को जाल में बांध करके कंधे पर ले करके आया। बाबा जी तो कुटिया के भीतर थे, आवाज लगाई, काबरा जी धरा जाओ आगे, आवाज लगाई, बाहर निकलो, आज मैं आपके लिए एक शिकार लाया हूं। महात्मा बाहर निकले तो देखा महाराज वो हिरन जो था छटपटा रहा था बेचारा जाल में। वो महात्मा तो बहुत दयालु, अरे राम 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 राम, क्या छोड़ो 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 छोड़ो। तो वो बोला किरात, इसको छोड़ देगा तो तुम खाएगा क्या, क्या खाएगा, भूखा मर जाएगा। तुम्हारे भोजन के लिए लाया हूं। उसने कहा ये सब हम नहीं खाते हैं। तब क्या खाता है, अरे जंगल में तो लोग शिकार के लिए आते हैं और तुम शिकार नहीं करते तो क्यों यहां आए हो, क्या करते हो यहां। महात्मा तो प्रेमी थे, महात्मा रोने लगे, बोले भैया तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जंगल में लोग शिकार करने आते हैं, तुम भी शिकार करने आए हो, हम भी जंगल में शिकार करने आए, पर क्या करें, हम जिसका शिकार करने आए हैं वो तो हमको अब तक मिला ही नहीं, तो किसका शिकार करने आए हो। बोले हम श्री कृष्ण मृग का शिकार करने आए। वो श्री कृष्ण मृग दूर दूर भाग रहा है, तो कैसा है वो श्री कृष्ण मृग। तो महात्मा ने नख सिख श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कर दिया, ऐसे चरण हैं, ऐसे नूपुर हैं, ऐसी धोती है, ऐसी कटी कोंधनी है, ऐसी पीतांबर की फेट कसी हुई है, ऐसी सुंदर त्रिवली है, विशाल वक्षस्थल है, आजानुलंबित चंदन चर्चित भुजाएं हैं, सुंदर ठोड़ी है, सुंदर कपोल है, घुंघराली अलकावली है, मोर मुकुट है, लकुट है, हाथ में बंसी है, पूरा सौंदर्य का वर्णन कर दिया। वो इतना भोला किरात, उसने सोचा कि हो सकता है इस तरह का कोई जानवर, इस तरह का कोई प्राणी जंगल में होता होगा, हमने तो देखा नहीं, पर ये बाबा जी आया है तो जरूर होगा जंगल में, तब ना आया है यहाँ। तो उसने कहा कि अब जब तक वह शिकार हमको नहीं मिल ला करके हम नहीं दे देंगे, तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं, खाएंगे पिएंगे नहीं, कह के चला गया। अब खोजने लगा बाबा, 3 दिन 3 रात हो गए उसको बिना खाए पिए, केवल वही चिंतन करे, ऐसे पैर हैं, ऐसे हाथ हैं, ऐसा कपड़ा है, ऐसी बांसुरी है, वो शिकार मिलना चाहिए, बाबा जी का शिकार, बाबा जी का शिकार। ठाकुर जी तो जहाँ पे खोजो वहीं मिलेंगे, एक पल की तलाश में। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और बांसुरी सुनाई पड़ी। जैसे ही बांसुरी सुनाई पड़ी तो उसकी समझ में आया कि अरे वो बाबा जी बोलते थे कि वो बंसी बजाता है, आवाज तो ठीक ठीक आ रही है। तो बांसुरी के शब्द का अनुसंधान करता हुआ वो पहुंचा तो क्या देखता है, जाल में फंसे हुए साक्षात श्री कृष्ण खड़े हैं। उसने ये थोड़े ही समझा कि ये परमात्मा है, भगवान है, उसने तो यही समझा कि ये कोई जीव है, जीव जंतु हैं। तो जाल में कसकर ठाकुर जी को बांध लिया और बांध के कंधे पर लटका लिया। और महाराज 3 दिन तो बीत ही गए थे, चौथा दिन था, चौथे दिन पहुंच गया और फिर आवाज लगाई, बाबा जी आपका शिकार मिला, बहुत मुश्किल से मिला है, लो बनाओ खाओ।
अब महात्मा भीतर भीतर बड़े दुखी हो गए, ये तो किरात अच्छा पीछे पड़ गया। अभी 3 दिन पहले एक हिरण को पकड़ के लाया था, जैसे तैसे अब पता नहीं कौन से जीव को पकड़ के लाया। जैसे ही बाहर निकले तो क्या देखते हैं, साक्षात श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं ठाकुर जी। महात्मा, अरे बोलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अरे कैसा बाबा जी है, 3 दिन पहले एक हिरण पकड़ के लाए, उसको छुड़वा दिया, अब तुम्हारा शिकार मिल गया तो उसको भी छोड़ने को बोलते, क्यों छोड़ दें, भाग जाएगा, पकड़ में नहीं आएगा। महात्मा रोने लगे, बोले अब ये पकड़ में आ गया है तो अब भाग कर जाने वाला नहीं है, ये मृग नहीं, ये तो साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण है, इन्हीं के लिए घर द्वार छोड़ा, हरिनाम का आश्रय लिया, जंगल में निवास किया। बेटा तुम धन्य हो, हमारे साधन से तो प्रभु हमें नहीं मिले, लेकिन तुम्हारी कृपा से हमको मिल गए। किरात रोने लगा, भगवान हम किरात, हम क्या जाने परमात्मा कौन सी चीज है, केवल संत दर्शन की महिमा, संत के दर्शन की महिमा कि आज हमें भगवंत की प्राप्ति होगी। ऐसे जीवों को भी भगवान मिल जाते हैं। किरात हूणांध्र, हूण आंध्र जाति के, पुलिंद पुलकस आभीर कंक यवन खस, ये ने चपापा, पापा करते पाप करते करते जो पाप रूप हो चुके हैं, ऐसे पाप रूप मनुष्य भी किसी संत का आश्रय ले लें तो उन्हें सहज भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए तात भगति अनुपम सुख मूला, तात भगति अनुपम सुख मूला, मिलही जो संत ओही जो अनुपूरा। संतों की प्राप्ति हो जाए, प्रेम की प्राप्ति का क्रम क्या है? देखो बंधन है क्या, शरीर संसार की आसक्ति ही बंधन है। प्रसंग मजरम पाशमात्मन कवयो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वार मपावृतम। आसक्ति ऐसा जीवात्मा का बंधन है, कभी पुराना नहीं होता। वही आसक्ति भगवान के प्राण प्यारे भक्त के चरणों में हो जाए, संत के चरणों में हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। क्या होता है संत संग से? सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकरण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। सत्पुरुषों के चरणों में जब कोई जीव दृढ़ आसक्ति करता है तो वे संत प्रसन्न होकर मेरे प्रभाव और स्वभाव से युक्त संयुक्त मेरे मंगलमय चरित्रों का वर्णन करते हैं। उन मेरे चरित्रों का, मेरे और मेरे प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों का जब कोई प्रेम पूर्वक श्रवण करता है, तज्जोषणात्, जोषणात् माने जुसी प्रीति से बने हो, प्रेम पूर्वक जब श्रवण करता है तो आसु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा। साधु संग का फल है, सत्संग का फल है
भगवत प्राप्ति के पथ में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, श्रद्धा के बाद रति उत्पन्न हो जाती है। श्रद्धा के बिना साधन संभव नहीं है, पर अभी साधन में श्रम की अनुभूति हो रही है, पर जब श्रद्धा के बाद रति उत्पन्न हो जाएगी तो अब तक जो साधन श्रम सहित साधन था, अब रति उत्पन्न होने के बाद साधन श्रम रहित साधन बन जाएगा। फिर भगवान में प्रेम प्रकट हो जाएगा। श्रद्धा रति भक्तिर अनुक्रमिष्यति। और जब भक्ति प्रकट हो जाएगी तब क्या होगा? कैसे समझें कि हमारे जीवन में भक्ति प्रकट हो गई है? यदि शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य हो जाए तो समझ लेना भक्ति प्रकट हो गई। भक्त्यापमान जात विराग इंद्रियात् दृष्ट श्रुतान मदरचनानुचिन्तया चित्तस्य यतो ग्रहणे योग युक्तो यतिष्यते रुजुभिर् योग मार्गै। रमा विलास राम अनुरागी रमा जत बमन नर बड़भागी तजत बमन नर बड़भागी। बमन के समान भोगों की उल्टी कर देता है। मल के समान त्याग की अपेक्षा बमन के समान त्याग ज्यादा श्रेष्ठ है। मल के त्याग करने के बाद उसको देखकर उतनी अधिक घृणा नहीं होती जितनी अधिक घृणा बमन को देखकर होती है। बमन के समान संसार का त्याग कर देते हैं, भोगों का त्याग कर देते हैं। अब ये तो आचार्य जी प्रेम हुआ, इतना दुर्लभ है प्रेम, और संतों की कृपा हो जाए तो इतना सुलभ है। अब उस प्रेम पथ पर चलने के लिए, प्रेम की प्राप्ति की योग्यता अपने आप में संपादित करने के लिए हमें कुछ जीवन में सावधानियां चाहिए। उनको हम कह करके बात पूरी कर देते हैं। उनमें सबसे पहली सावधानी है आहार शुद्धि। हमारे वेद भगवान का सिद्धांत है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि के बिना अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। आहार शुद्धि की परिभाषा क्या है, बहुत ध्यान से सुने। आहार शुद्धि की परिभाषा है सरल परिभाषा, जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है उस वस्तु को जीवन पर्यंत आहार के रूप में ग्रहण न करना, यही है आहार शुद्धि। आप जगन्नाथपुरी गए हैं, बद्रीनाथ गए हैं, रंगनाथ गए हैं, वृंदावन अयोध्या गए हैं, कहीं आपने देखा मद्यमांस का भोग लगता हुआ? कहीं आपने देखा प्याज लहसुन का भोग लगता हुआ, गाजर का भोग लगता हुआ? देखा आपने कहीं? कहीं नहीं देखा। भांग तमाकू सुल्फा गांजा अफीम चरस चाय कॉफी, इसका भोग लगते देखा किसी प्राचीन मंदिर में? अब आजकल तो एक सज्जन बता रहे थे कि विदेशों में जो मंदिर हैं उनमें लोग वैसे तो आते नहीं दर्शन करना, रविवार रविवार आते हैं, तो वहाँ टॉफियाँ चढ़ती हैं, बिस्कुट चढ़ते हैं, टोस्ट चढ़ते हैं, डबल रोटी वगैरह है ना वो चढ़ाते हैं लोग वहाँ। हमने देखा नहीं है, सुनी सुनाई बात बता रहे हैं। तो भैया विदेश की चीज़ हमारे लिए आदर्श तो नहीं हो सकती। भगवान के मंदिर में जिस वस्तु को निवेदित किया जा सकता हो वही वस्तु हम निवेदित कर सकते हैं,
और उसी को प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। पहली शर्त है आहार शुद्धि। पवित्र आहार हमें वेद लक्षणा भारती गाय ही प्रदान कर सकती है। पंचगव्य की इतनी महिमा है, एक बूंद पंचगव्य श्रद्धा पूर्वक कोई नित्य ले तो यत्वगस्थितम पापम देहे तिष्ठति माम के प्राश्नात् पंचगव्यस्य धत्वग्निरिविन्दनम्। इस मंत्र का अर्थ है कि जैसे प्रचंड अग्नि सूखे काष्ठ को जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही पंचगव्य पाप के बन को जला करके नष्ट कर देता है। जैसे आग ईंधन को जला देती है, ऐसे ही पंचगव्य पाप को नष्ट कर देता है। बड़े दुख की बात है, मिथिला जैसी पवित्र भूमि में एक तो अशुद्ध आहार बहुत प्रबल है, और कई बार तो यहाँ के बड़े बड़े पंडित अपनी पूरी पंडिताई इसी में लगा देते हैं कि नहीं, मांस खाया जा सकता है, वो तो सब शास्त्रों में विधान है उसका। अब वो प्रकरण दूसरा हो जाएगा, नहीं तो महाराज पुराणों में इतने वचन आए हैं मांस के निषेध के, अशुद्ध आहार के निषेध के, जिसकी गणना हम नहीं कर सकते। आप लोग कहें मांस आदि के समर्थक वचन भी तो शास्त्रों में आए हैं। देखिए, हम बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे कह रहे हैं कि मुगल काल में, जैन बौद्ध के काल में, मुगलों के काल में हिंदुओं के धर्म शास्त्रों को दूषित करने का कुचक्र रचा गया। अंग्रेजी काल में भी हिंदुओं के धर्म ग्रंथों को दूषित किया गया, और हमारे धर्म शास्त्रों में, पुराणों में, इतिहास में, स्मृतियों में बहुत मिलावट की गई। अब हमें अपने विवेक का आदर करना चाहिए। निषेध परक वाक्य कितने हैं और विधि परक वाक्य कितने हैं, और उनमें उसका तात्पर्य किस में है, इन सब बातों को हमें अपने विवेक से समझना चाहिए। और हित अनहित पशु पक्षी उजाना, मानुष तनगुण ज्ञान निधाना। महाभारत का श्लोक है बाबा, पितामह भीष्म कह रहे हैं मांस भक्षी का कभी मोक्ष नहीं होता। पितामह भीष्म कहते हैं मांस भक्षेते यस्मात् भक्षिष्ये तमप्यहम् एतन् मांसस्य मांसत्व मनुबुद्ध्यस्व भारत। हे युधिष्ठिर, मांस के मांसत्व को समझो। मांस, माम माने मुझे, स माने वह, मांस मांस भक्षेते, जब कोई व्यक्ति मांस खाता है किसी प्राणी का, तो जिस प्राणी का मांस खाता है, चाहे मछली हो, कछुआ हो, मुर्गी हो, बकरा हो, भेड़ा हो, किसी भी प्राणी का मांस खाता है, तो जिस प्राणी का मांस खाता है वो प्राणी की आत्मा कहती है, अरे दुष्ट, तू निर्दयता पूर्वक मुझे मार कर खा रहा है, तो मैं भी तुझे छोड़ने वाला नहीं, मैं भी तुझे खाऊंगा। मांसाहारी की कभी सदगति नहीं होती। इसलिए हे युधिष्ठिर, जो मांस शब्द का अर्थ समझ लेगा वो जीवन में कभी मांस भक्षण नहीं करेगा। तो सबसे पहले भगवत प्रेम को जागृत करने के लिए आहार की शुद्धि। आहार की शुद्धि गाय की कृपा से होगी। देखो, आपके घरों में भी गाय हैं, पर वो गाय नहीं है। शासनादिमत्वम गोर लक्षणम, वो गाय के जैसा एक पशु है शंकर जाति का। और गीता जी में कहा गया, शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च, ये शंकरता तो नरक ले जाने वाली है। इसलिए इसका, शंकर प्रजाति के पशु का, जर्सी का दूध दही घी छूने योग्य भी नहीं है। इसको स्पर्श हो जाए तो सचैल स्नान करना चाहिए, यज्ञोपवीत परिवर्तन करना चाहिए, इतना अशुद्ध है। लेकिन लोग उसको खाए पिए चले जा रहे हैं, कहाँ से भगवत प्रेम प्रकट हो। दूसरी बात, पहला साधन क्या, आहार शुद्धि। आहार शुद्धि कैसे होगी, हम भारतीय देसी गाय अपने घर में रखेंगे, दूध दही पंचामृत पंचगव्य से भगवत सेवा करेंगे, उसी को आहार के रूप में लेंगे, गो आधारित कृषि करेंगे, पवित्र अन्न खाएंगे, पवित्र गव्य पदार्थ का आहार करेंगे, तो हमारा अंतःकरण सहज ही पवित्र भावों से भर जाएगा।
दूसरा साधन महाराज जी संत सदगुरु की शरणागति, ये दूसरा साधन भूमिका बन गई। अब जहां अपनी श्रद्धा हो, जहां भाव की जागृति हो और मन में ऐसा लगता हो अंतरात्मा में कि यहां समर्पित होने से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, वहां अपना निश्चल निष्कपट भाव से संपूर्ण समर्पण कर दो। संत सदगुरु की शरणागति ग्रहण करके और निष्ठापूर्वक जीवन पर्यंत वैष्णवता का पालन करो, प्रतिज्ञापूर्वक ऊर्ध्वपुंड धारण करो, प्रतिज्ञापूर्वक तुलसी धारण करो, प्रतिज्ञापूर्वक एकादशी करो, प्रतिज्ञापूर्वक गौ ब्राह्मण संत इनका आदर करो, प्रतिज्ञापूर्वक भजन करो, प्रतिज्ञापूर्वक नाम जप करो। ये सब साधन निष्ठापूर्वक करेंगे तो निश्चित ही इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं। संत सदगुरु का आश्रय लेकर वैष्णवता का पालन करते महाराज जी नारद पंचरात्र में लिखा है, परमई कांति, भक्तों में भी एकांति और परमई कांति। परमई कांति माने अनन्य प्रेमी भक्त। तो परमई कांति का हेतु क्या है? तो नारद पंचरात्र में देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, तापम पुंडरस्तथा नाम मंत्रो मालाच पंचमः अमीहि पंच संस्काराः परमई कांच हेतवः। ये परम प्रेम की प्राप्ति में निमित्त बन जाते हैं। इतनी महिमा है महाराज। और इसके बाद वैष्णवता तो संत सदगुरु की कृपा से मिल गई, लेकिन जैसे नया नया पौधा होता है और उसको बाड़ न लगाई जाए और उसमें रोज जल न सींचा जाए तो वो मर जाएगा, मुरझा जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और रोज उसमें जल पड़ता रहे तो बाड़ लगा के सुरक्षित हो जाए तो थाला बना दिया जाए तो बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर बाढ़ की भी जरूरत नहीं है, फिर जल सींचने की भी आवश्यकता नहीं है, फिर तो बड़े बड़े हाथी भी झूमते रह जाएंगे और उस पेड़ को टस से मस नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही जब जीव भगवत शरणागत होता है तो आरंभ के क्षण में उसकी भक्ति छोटे से पौधे के जैसी होती है, उसको नित्य सत्संग मिलना चाहिए, भगवत भागवत चरित्रों का नित्य श्रवण। ये साधन है, ऐसे साधन कि इन साधनों का आश्रय लेने वाले के जीवन में अवश्य ही भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। एक और बात कह दी, प्रेम कभी पराये में नहीं होता, प्रेम सदा अपने में होता है, और सत्संग के द्वारा ही पता चलता है कि शरीर संसार पराये हैं और भगवान हमारे अपने हैं। जो कभी हमारे साथ न रहे वो पराया, और जो कभी हमारा साथ न छोड़े वो अपना। शरीर संसार कभी साथ रहते नहीं, पराये हैं, भगवान ने कभी साथ छोड़ा नहीं, भगवान हमारे अपने हैं। ये बात पता चलते ही भगवान में सहज प्रेम हो जाता है।